ये प्रोग्राम सुपरलाइन कैसेट कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है। कीर्तन भक्त बोरमल भाग नंबर 2, जिसके लेखक व गीतकार हैं पंडित रामकृष्ण वशिष्ठ। सुना रहे हैं भक्त रामनाथ जी व साथी सुनारियां वाले। बताते हैं कि राजा सुलेमान रानी लोनादे की बातों को सच्ची मानकर पूर्णमल को सजाए मौत का हुक्म सुना देते हैं। उनका हुक्म सुनने के बाद सारी नगरी में सन्नाटा फैल जाता है। कहते हैं कि एक राजा ने त्रिया के वश होकर अपने पुत्र को सजाए मौत दे दी। इधर रानी इंद्रादे जो पूर्णमल की जननी माई थी, राजा सुलेमान को हाथ जोड़ करके एक बात के द्वारा क्या कह रही है। मेरे पूरण मरवा के ओ राजा करिए मत पाप, मेरे पूरण मरवा के ओ राजा करिए मत पाप, मेरे पूरण मरवा के ओ राजा करिए मत पाप। इंद्रादे समझा रही है कि हे राजन, उस गौर करो इस बात के ऊपर, 12 साल का बच्चा है वो, कम से कम झूठ सच तो आपने पहचान लिया होता। आप ये क्या करने जा रहे हैं, आप अपने चिराग को बुझाने जा रहे हैं, कैसे बता रही है। 12 साल उम्र घणी वाली, 12 साल उम्र घणी वाली, क्यों कर सोचे ओडक पचाड़ियो, क्यों कर सोचे ओडक पचाड़ियो, तम देखो जान लगा के ओ राजा मिट जा संताप, तम देखो न जान लगा के ओ राजा मिट जा संताप, मेरे पूरण ने मरवा के ओ राजा करिए मत पाप, मेरे पूरण मरवा के ओ राजा करिए मत पाप। कोई दूजा ना था, जाने ना कोई दूजा ना था, लोना ने कह धर्म की माता, लोना ने कह धर्म की माता, मबूज लो इसे बुला के ओ राजा चाहे चुपचाप, तुम बूझ लो उसे बुला के ओ राजा चाहे चुपचाप, मेरे पूरण ने मरवा के ओ राजा करिए मत पाप। बिना खोट इसी सजा सुनावे, बिना खोट इसी सजा सुनावे, अपना दीवा सैम बुझावे, अपना दीवा सैम बुझावे, मत कर तने समझा के ओ राजा सुन लो ने आप, मत कर तने समझा के ओ राजा सुन लो ने आप, मेरे पूरण ने मरवा के ओ राजा करिए मत पाप, मेरे पूरण ने मरवा के ओ राजा करिए मत पाप।
तेरा फैसला ईसा रंग लियावे, तेरा फैसला ईसा रंग लियावे। गया वक्त तेरे हाथ न आवे, गया वक्त तेरे हाथ न आवे। तू तो बैठेगा मूल गवा के ओ राजा, सुन ले मेरी बात। ओ तू तो बैठेगा मूल गवा के ओ राजा, सुन ले मेरी बात। मेरे पूरन ने मरवा के ओ राजा, करिए मत पाप। रानी इंसरादे राजा सुलेमान को कह रही है, राजन आप जो फैसला करने जा रहे हैं उसके बारे में कम से कम सोच तो लो, कभी आपको जगत उलाना नहीं दे दे, कभी कोई आपके नाम के ऊपर छाप नहीं लग जाए, कम से कम इस बात का तो ध्यान करो। कैसे कह रही है? राम कसन दे जगत योलाना, राम कसन दे जगत योलाना। बन जा पता पूत ने खाना, बन जा पता पूत ने खाना। तू तो रोवेगा नाम धरा के ओ राजा, लग जाएगी छाप। तू तो रोवेगा नाम धरा के ओ राजा, लग जाएगी छाप। मेरे पूरन ने मरवा के ओ राजा, करिए मत पाप। मेरे पूरन ने मरवा के ओ राजा, करिए मत पाप। बताते हैं कि राजा सुलेमान राणा इंसरा दे की एक बात भी नहीं सुनते और जल्लादों को हुक्म देते हैं कि पूर्ण कहीं भी तुम्हारे को मिले उसको जाओ पकड़ करके ले आओ और सजाए मौत का उसको हुक्म सुना देते हैं। इतनी बात सुनकर के हत्यारे जाते हैं तो पूर्णमल बच्चों के साथ खेल रहा था, वहां उसको गिरफ्तार करते हैं तो उसके जो मित्र थे वो कहने लगे, रे पूर्णमल तुम्हारे सिपाही तुम्हारे को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। अब वो जिद करने लगे कि तुम इसको कैसे पकड़ रहे हो, तो कहते हैं कि इसके पिता का हुक्म है, बस इसको सजाए मौत का हुक्म मिला है। तो कहते पूर्णमल का एक मित्र अपनी म्यान से तलवार निकाल कर कहता है कि खबरदार सिपाहियों, अगर पूर्णमल को तुमने गिरफ्तार किया तो अच्छा अंजाम नहीं होगा। और एक बात के द्वारा पूर्णमल को कह रहा है, कैसे बताया, जिस जगह दीन यमान ना हो उस जगह ठिकाना ना चाहिए, उस जगह ठिकाना ना चाहिए। जिस जगह दीन यमान ना हो उस जगह ठिकाना ना चाहिए, उस जगह ठिकाना ना चाहिए। जिस जगह दीन यमान ना हो उस जगह ठिकाना ना चाहिए, उस जगह ठिकाना ना चाहिए। अरे सर पे कितना संकट हो पर फर्ज बुलाना ना चाहिए, सर पे कितना संकट हो पर फर्ज बुलाना ना चाहिए। जिस कर्म से कुड़की नाक कटे हो कर्म कमाना ना चाहिए, जगह ठिकाना ना चाहिए। जिस जगह दीन यमान ना हो उस जगह ठिकाना ना चाहिए, उस जगह ठिकाना ना चाहिए।
जिस नाम पद बेदागर है वो नाम धराना ना चाहिए, जिस नाम पद बेदागर है वो नाम धराना ना चाहिए, जिस हुक्म मन्या इंसाफ नहीं वो हुक्म सुनाना ना चाहिए, जिस जगह ठकाना ना चाहिए, जिस जगह पे दीन ईमान ना हो उस जगह ठकाना ना चाहिए, उस जगह ठकाना ना चाहिए। पंथ फैसला कुछ भी हो उसको ठोकराना ना चाहिए, चाहे पंथ फैसला कुछ भी हो उसको ठोकराना ना चाहिए, जिस धर्म में दया की छाप ना हो उसको अपनाना ना चाहिए, उसको अपनाना ना चाहिए, जिस जगह दीन ईमान ना हो उस जगह ठकाना ना चाहिए, उस जगह ठकाना ना चाहिए, जिस जगह दीन ईमान ना हो उस जगह ठकाना ना चाहिए, जगह ठकाना ना चाहिए। बताते हैं कि जलाद उसके मित्र की कोई बात नहीं सुनते हैं, वो उनको भी मारने के लिए दौड़ते हैं, तब वो समझा रहा है भाई पूर्ण मतलब तो तुझे जाना ही पड़ेगा, जो फैसला तेरे पिताजी ने सुना दिया तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाते जाते एक बात तो पूर्णमल को और बोल गया, कैसे बताया जिस पाठ में सच्चा ज्ञान नहीं वो पाठ पढ़ाना ना चाहिए, जिस पाठ में सच्चा ज्ञान नहीं वो पाठ पढ़ाना ना चाहिए, और राम कृष्ण हरि नाम बना को भजन बनाना ना चाहिए, को भजन बनाना ना चाहिए, जिस जगह दीन ईमान ना हो उस जगह ठकाना ना चाहिए, उस जगह ठकाना ना चाहिए, जिस जगह दीन ईमान ना हो उस जगह ठकाना ना चाहिए, उस जगह ठकाना। बताते हैं कि पूर्णमल को गिरफ्तार करके राजा के सिपाही जब लेकर के आते हैं दरबार में पेश करते हैं, पूर्ण को हथकड़ी और बेड़ियों से बंधा दे करके उसकी मां इंसरा दे उसे रुकाने जाता, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो कैसे विलाप करती है, ओ ये मेरे भगवान तने के कर दी खेत न खारी बाड़े हुई बेदर्दी, ये मेरे भगवान तने के कर दी खेत न खारी बाड़े हुई बेदर्दी, ये मेरे भगवान तने के कर दी खेत न खारी बाड़े हुई बेदर्दी, वो तुम हो मेरे दाता हो दीन दयाला,
दुखियारी के घर पर पुडाका डाला, तुम हो मेरे दाता हो दीन दयाला। दुखियारी के घर पर डाका डाला, मेरा दीना नुखेल गाड़ बना दी गर्दी, खेतनक हरी बाड़ तुई बेदर्दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। इंसाफ की होश है मात कचेरी, क्यों इस निर्दोष ने सजा देरी। इंसाफ की होश है मात कचेरी, सजा क्यों निर्दोष ने या देरी। मेरा लिया रूखड़ा पाट उजड़ रबर दी, खेत न कारी बाड़ हुई बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। हृदय का यो दीप बुझेगा मेरा, लगेगा जग में इस बिन गोरे अंधेरा। हृदय का यो दीप बुझेगा मेरा, लगेगा जग में इस बिन यो अंधेरा। मैं तो किसके लड़ाऊंगी लाड पांच में करती, खेत न खारी बाड़ हुई बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत न खारी बाड़ हुई बेदर दी। राम कृष्ण के बेटे बने के जीना, मेरा लूट लिया समाल यो जमाल खीना। राम कृष्ण के बेटे बने के जीना, मेरा लूट लिया समाल यो कतिल खीना। मैं किस पर दिखाऊं ठाड उतनी कर दी, खेत न खारी बाड़ बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। ए मेरे भगवान तने के कर दी, खेत खारी बाड़ हुई बेदर दी। बताते हैं कि रानी सराद इसे रुका नहीं जाता, वो रोक करके पूर्णमल के गले लग जाती है। पूर्णमल अपनी जननी माई की ऐसी दशा देख करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो धीरज करके एक बात के द्वारा कहता है, कैसे बताया। ल
डखे भाग न कौन मिटाओ मेरी माँ मतने नानी रे बहाव मेरी माँ ओ लखे भाग न कौन मिटाओ मेरी माँ मतने नानी रे बहाव मेरी माँ भाग न कौन मिटाओ मेरी माँ मत नैना नीर बहाओ मेरी माँ कर्म कया करी पेश न चले कर्म कया दे पेश न चले हरी हुकम बिन पत्त न हाले हरी हुकम बिन पत्त न हाले हरी दुनिया नु कहती आओ मेरी माँ कोई आवे से कोई जावे मेरी माँ लख भाग न कौन मिटा मेरी माँ लगे भाग न कौन मिटा मेरी माँ नानी रबा मेरी माँ हे माई इस संसार में सभी अपने भोग भोगने के लिए आते हैं। माफी तो सिर्फ धर्मराज के घर पर ही मिलती है, कैसे बता रहे हैं। तेरी भोग भोगना आना जाना भोग भोगना आना जाना कर्म जेल का ये जग थाना कर्म जेल का ये जग थाना अड़ माफी कौन दवा मेरी माँ जब हकम हुक्म सुना मेरी माँ लख भाग के कौन मिटा मेरी माँ नानी रबा मेरी लख भाग न कौन मिटा मेरी माँ मत नैना नीर बहा मेरी माँ जीवन मरण यो जगत जमेला जीवन मरण यो जगत जमेला धर्महीन जन सदा अकेला धर्महीन जन सदा अकेला सत मेरा यो साथ निभाओ मेरी माँ मोक्ष जगत में पावे मेरी माँ लख भाग न कौन मिटा मेरी माँ नैना नीर बहाओ मेरी माँ लख भाग न कौन मिटा मेरी माँ नैना नीर बहाओ मेरी माँ कसम मने गुरु नाथ जती की कसम मने गुरु नाथ जती की सजा मेरी मन भाग लिखी सजारी मिली मन भाग लिखी तेरे पूरन साथ बताओ मेरी माँ चरण में हाथ लगा मेरी लख भाग न कौन मिटा मेरी माँ मत नैना
जानी रे बहा मेरी माँ लगे भाग न कौन मटा मेरी माँ मतनी रे बहा मेरी माँ पूर्णमल कहता है कि हे माँ मेरे पिता का हुक्म है अगर उनके हुक्म को अब्दुल करूंगा तो मैं तुम्हारे कुल का नहीं कहलाऊंगा जब उनका हुक्म है तो मैं जाऊंगा जरूर मुझे जाना ही पड़ेगा अगर वो सजाए मौत मेरे को दे रहे तो मुझे मंजूर है कैसे बता रहे राम के सनैब मन री जान दे राम के सनैब मन जान दे पिता हुकम यो मन पगान दे राम के सनैब मन जान पिता हुकम यो मन पगान जो मौका युका जाओ मेरी माँ जन्म सफल हो के भाग न कौन मटा मेरी माँ नानी लबा मेरी माँ लगे भाग के कौन मटा मेरी माँ नानी कहते हैं कि पूर्णमल और इंसरादेव की बातों का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है और उसके हुक्म के अनुसार जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए दूर जंगल बियाबान में ले जाते हैं। कहते हैं कि विदना के लेख को कोई नहीं मेट सकता जिस गुरु गोरक्षनाथ के वरदान से पूर्णमल पैदा हुआ था। बताते हैं जिस दिन से पूर्णमल भंवरे से बाहर निकाला तो पूर्णमल के लिए 360 सगाई राजा सुलेमान के यहां आई थी और बताते हैं कि 360 की 360 सगाई राजा सुलेमान ने कबूल की थी। बताते हैं उन्हीं सगाइयों में एक चीन की राजकुमारी जिसका नाम सुंदरादे था उसकी सगाई भी पूर्णमल के साथ तय हुई थी लेकिन बताते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ ने सुंदरादे को भी ये वरदान दे रखा था कि जाओ तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सुंदर पति मिलेगा। साथ ही पूर्णमल इतना सुंदर था कि पृथ्वी के ऊपर उसके जैसा कोई रूपवान नहीं था। अब इधर कर्म के अनुसार बताते हैं उन जल्लादों को दया आ जाती है वो पूर्ण को कत्ल करने के बजाय उसके हाथ पैर कलम करके दूर जंगल में कुएं में डाल देते हैं। बताते हैं पूर्णमल को वहां 12 वर्ष कुएं में गिरे हुए को हो जाते हैं। 12 वर्ष वो भौरे में रखा 12 वर्ष कुएं में रहा तो उसका सत पूरा हो चुका। 12 वर्ष के बाद गुरु गोरक्षनाथ अपने चेलों के संग जमात लेकर के वहां आते हैं तो कहते हैं भाई कहीं से जल का प्रबंध करो और आज यहीं आराम विश्राम करेंगे। अब वहां पानी भरने के लिए एक ओघड़नाथ और एक साधु जाते हैं
बताते हैं कि पूर्णमल को जब पास में कोई चीज पड़ी, आभास हुआ उसे, देखा कोई डोल कुएं में डाल रहा है, तो उसने दोनों अपने कटे हुए हाथ उस डोल में फंसा दिए। अब वो डर करके भाग जाते हैं दोनों साधु, जाकर के गुरु गोरखनाथ को कहते हैं पता नहीं कुएं के अंदर क्या है। अब वहां गोरखनाथ जी आते हैं और उसको निकालते हैं, कैसे बताया, बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ एक बात के द्वारा कह रहे हैं पूर्णमल को, 12 साल तक वो कुएं में रहा, 12 साल तक वो भंवरे में रहा। कथा के अनुसार उसका ब्रह्मचर्य पूरा हो चुका था। गुरु गोरखनाथ को क्या कह रहे हैं, भाई रे तेरा तोल पटाना कुए मतड़ फण याल, ओ तेरा तोल पटाना कुए मतड़ फण याल, भाई रे तेरा तोल पटाना कुए मतड़ फण याल। बोली रबाली शान तेरी ये सुंदर सुंदर मुखड़ा, बोली बाली शान तेरी ये सुंदर सुंदर मुखड़ा, मीठा मीठा बोल बोल के मन बता तेरा दुखड़ा, अरे कति बोल बताना किसने जुलम कर डाले, ओ तेरा तोल पटाना कुमे मतड़ फण याल, बाहर तेरा तोल पटाना कुमे मतड़ फण याल। अपने मन डरवे को तू भई बिल्कुल दूर हटा दे, अपने मन डरवे को तू भई बिल्कुल दूर हटा दे, हम योगी हरि नाम के सेवक तेरा अन साफ करा, बता तेरा पता ठिकाना किसका तुलाल, बता ले भाई रे तेरा तोल पचाना कुवे मतड़ फण याल, अरे तेरा तोल पचाना कुवे मतड़ फण याल। पार लकड़ ले इस कुएं ते नजर मिला ले हमसे, पार लकड़ ले इस कुएं ते नजर मिला ले हमसे, स्वर तेरी बलि करेंगे मिल छुटकारा गम से, भाई दल बीच जचाना राम जगत रखवाले, तेरे तेरा तोल पचाना कुवे मतड़ फण याल, तेरा तोल पटाना कुवे मतड़ फण याल। गुरु गोरखनाथ पूर्णमल को समझा रहे हैं कि भी तू डर भय कोई चिंता नहीं तेरे को, तुम आराम से इस डोल को पकड़े रहना। उसको बाहर निकाल लेते हैं, कैसे
से बता रहे हैं। तेरा मिलना मारा यो आना से कोई संस्कार, तेरा मिलना मारा आना से कोई संस्कार, राम कसन कर जीव की रक्षा हो जा बांसे पार, वजन का ये मधुर खजाना राम नवास तू गाले, भजन का मधुर खजाना राम नवास तू गाले, बाहर तेरा तोल पटियाना कुएं मतड़ फन यार, तेरा तोल पटियाना कुएं मतड़ बताते हैं। पूर्णमल को बाहर निकाल लिया जाता है कुएं से, गुरु गोरखनाथ उसका अता पता पूछते हैं। पूर्णमल गुरु गोरखनाथ के चरण स्पर्श करके अपने बारे में क्या बता रहा है। ओ के बुझेगा मन की गुरु जी मेरी बाड़ी से तकदीर, बाग की लखी भोग रासू मेरे बंदरी कर्म जंजीर, के बुझेगा मन की गुरु जी मेरी बाड़ी से तकदीर, बाग की लखी भोग रासू मेरे बंदरी कर्म जंजीर, के बुझे गमन की। ये जैसी करनी वैसी वरनी यो जगत कहता, जैसी करनी वैसी वरनी जो जगत कहता, करी मने जिसकी पूजा में उसने ये ठुकराया, ना कोई मन को कर्म कमाया क्यों लाग्या मेरे तीर, ओ के बुझेगा मन की गुरु जी मेरी माड़ी से तकदी, भाग के लगी भोग रासू मेरे बंदरी कर्म जंजीर, ओ के बुझेगा मन की। सोलेवान का बेटा सूं अंसरा दे मेरी मां, सोलेवान का बेटा सूं अंसरा दे मेरी मां, मौसी के मैं मैल डगर गया होया कसुतागा, बाड़ खेत ने खारी से कूड़ कर तत्वीर, ओ के बुझे का मन के गुरु मेरी मारी से तकदी, बाकी लखी भोग रासू मेरे बंदरी कर्म जंजीर, ओ के बुझे का मन की। कह रहा है पूर्णमल कि हे गुरुजी, मैं राजा सुलेमान का लड़का पूर्णमल हूं, इंसरा दे मेरी माँ का नाम है, मेरे ऊपर मेरी मासी ने लाचन लगा दिया और मेरे पिता के हुक्म से मेरे हाथ पैर कलम करके इस कुएं में मेरे को डाल दिया। 12 साल तो मेरे को गुरुजी भंवरे में रखा और 12 साल इस कुएं में हो गए।
शायद कोई पिछला क्रम मैंने बहुत ही माड़ा किया था, जो मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, कैसे बता रहे हैं? बारह साल रया भौरे में होया पता दरस का चा, बारह साल रया भौरे में होया पता दरस का चा, गुरु जी मोसी ने मेरे पली अपनी नंगा डगा, पता मेरे नकर के ना या लख दी मेरी लकी, के बुझे कमन के गुरुजी मेरी माड़ी से तकदी, बाकी लिखे वो गरियासू मेरे बंदरी करमजी, ओ के बुझे कमन की। कह रहा है पूर्णमल कि हे गुरुजी बताओ, उस इंसान का क्या जीना है जब ऐसे ऐसे लाछन बचपन में लगा दिए जाएं? और रोता हुआ कहता है, मुझे तुम्हारी कसम है गुरुजी, मैंने वो खोटा कर्म नहीं किया, मेरी जान ले लो चाहे। कैसे बता रहा पूर्णमल? मानस का के जीना जिसके लगे सलाना, उस मानस का के जीना जिसके लगे सलाना, कसम मने से तेरी गुरु जी होया गेल दंग ताना, राम कृष्ण इव मेरा ठकाना चरण कमल महसी, के बुझे गमन के गुरु मेरी माड़ी सतक दी, बाकी लिखी वो गरिया सू मेरे बंदर कर्मजी, ओ हो के बुझे गमन बताते हैं। गुरु गोरक्षनाथ ने जब पूर्णमल कितनी बातें सुनी तो उस दया के दाता ने दया आ जाती उसके ऊपर, अपनी योग दृष्टि से वो सारी सच्चाई को जान जाते हैं। तो कहते हैं कि वे पूर्णमल, हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। बताते हैं पूर्णमल के जब सच्चाई को जान करके गुरु गोरक्षनाथ ने अपने योग और तपोबल से एक चमत्कार कर दिखाया। कैसे बता, फेंक बबूती गोरखनाथ ने, उदयी फेंक बबूती गोरखनाथ ने, ओ पूरण मल खुशियाल हुजे, ओ जे गुरु देव की, ओ पूरण मल खुशियाल हो जे गुरु देव की, हो दे फेंक बबूती गोरखनाथ ने, हो दे फेंक बबूती गोरखनाथ ने, ओ पूरण मल खुशवार, हो जे गुरु देव की, ओ पूरण मल खुशियाल, हो जय गुरु देव की।
पूरण नत कथा सुनाइए, पूरण नत कथा सुनाइए। जब दया गुरु जी को आई है, जब दया गुरु जी को आई है, अजब कमाल हो। जय हो जय गुरु देव की, अनुमय हो गए अजब कमाल हो। जय हो जय गुरु देव की, दई फेंक बबूति गोरख नाजन, दई फेंक बबूति गोरख नाथन, पूरण ले खुशियार हो। जय हो जय गुरु देव की, ओए पूरण मले खुशियार हो। जय हो जय गुरु देव की। आते हैं कि अपनी योग माया से पूर्णमल को स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाते हैं, जो अंगहीन थे संपूर्ण कर दिए जाते हैं। कैसे दया की गुरुनाथ ने, कैसे बताया? ओ करावला नाथ ने यंग ने का करा भला नाथ ने यंग ने का दुखड़ा नाथ ने दीन का दुखड़ा नाथ ने दीन का वो कर योग दृष्टि का ख्याल हो। जय गुरु देव की, ओ कर योग दृष्टि का ख्याल हो। जय ओ जय गुरु देव की, ओ देई फेंक बबूति गोरख नाथन, ओ देई फेंक बबूति गोरख नाथन, ओ पूरण मलिक से आए। जय ओ जय गुरु देव की। उस दुखिया को गोद में ठा लिया, उस दुखिया को गोद में ठा लिया, सीने से वो बालक ला लिया, सीने से वो बालक ला लिया, वो गाय बन नर बलि की में डाल। जय ओ जय गुरु देव की, ओ गाय बन नर बलि की डाल। जय ओ जय गुरु देव की, ओ देई फेंक बबूति गोरख नाथ ने, ओ देई फेंक बबूति गोरख नाथ ने, ओ पूरण मल खुशहाल। जय ओ जय गुरु देव की।
जिसने शरण गुरु की पाई है, ओ जिसने शरण गुरु की पाई है, ओ वही जने जीवन सुख दाई है, ओ वही जने जीवन सुख दाई है। ओ राम कसन उठे जाल, जय ओ जय गुरु देव की, ओ मन में राम कसन उठे जाल, जय ओ जय गुरु देव की, ओ जय है कबूति गोरख नाथ ने, ओ जय एक बबूति गोरख नाथ ने, ओ पूरण मल खुशियार, ओ जय जय गुरु। बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ की कृपा से पूर्णमल अपने शरीर से भरपूर हो जाता है और गुरु जी के चरणों में गिर जाता है। कहता है गुरु जी, मेरे को शिष्य बना दो। तो बताते हैं पूर्णमल गुरु के वरदान से सबसे सुंदर तो था ही, लेकिन गुरु की योग महा से दोबारा उसका जन्म हुआ तो और अति सुंदर हो गए वो। अब उसके स्वरूप को देख करके गुरु गोरखनाथ को फिर दया आ जाती है वो एक बात के द्वारा पूर्णमल को समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने घर पर जाओ और तेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, अपने राज को जाकर के संभालो। कैसे बता रहे हैं, पूरण मल घर अपने जाइए तू, जाके भोग लिए राजन पूरण मल घर अपने जाइए तू, जाके भोग ले राजन पूरण मल घर अपने जाइए तू, जाके भोग ले राजन पूरण मल तू। रहे हैं कि विषाद कर्म इतने कठिन होते हैं जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तन को तपाना पड़ता है, और पूर्णमल तू इतने कष्ट नहीं उठा सकेगा भाई। अगर हमारी बात को माने तो अपने घर चले जाओ, राज के मालिक बनो, जाकर के कैसे समझा रहे हैं। साधर्म है कठिन निभाना, भूखा तन पड़े तपाना, साधर्म है कठिन निभाना, भूखा तन पड़े तपाना, तुत मत ना कष्ट उठाइए रे तू, जाग भोग ले राजन तू, मत ना कष्ट उठाइए रे तू, जाग भोग ले राजन पूरण मल घर अपने जाइए तू, जाग भोग ले राजन पूरण मल तू।
साधु काना ठोठ काना बैत जल सा जन्म बताना साधु काना ठोठ काना बैत जल सा जन्म बताना तू जाके न भूप खाई रे तू जाके भोग लिए राज ने तू जाके न भूप खाई रे तू जाके भोग ले राजन पूरण मल गर अप ले जाइए तू जाके भोग ले राजन रे पूरण मल समझा रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ कि भी साधु का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, बहता जल जैसे होता है वैसे ही साधु रमता होता है। और तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम तो जाकर के अपने राज करो और भूप का दर्जा कहलाओ वहां जाकर के। हमारा क्या, हम तो कभी जंगल में कभी पहाड़ में, कुछ पीना खाना भी वक्त पर मिले या नहीं मिले, लेकिन तू अपने घर में खुशी से और मौज से रहेगा, कैसे बता रहे हैं। कदे जंगल में कदे पहाड़ में पीना खाना ना मिले बखत पे, कदे जंगल में कदे पर्वत पे पीना खाना ना मिले बखत पे, तू घर मर मौज तू तो घर मर मौज मनाइए रे तू जागे भोगले राजन पूरण मल गर अप ले जाइए तू जाके भोग ले राजन पूरण मल गर अप ले जाइए तू जाके भोग ले राजन पूरण मल तू। हम किसन हम जन बैरागी पढ़ना पड़ हरे साधन त्यागी, राम किसन हम जन बैरागी पढ़ना पड़े हरे साधन त्यागी, तू मत ना जोग कमाइए रे तू जाके भोग ले राजन, तू मत ना जोग कमाइए रे तू जाके भोग ले राजन पूरण मल गर तू जाइए रे तू जागे भोग ले राजन। ये प्रोग्राम सुपरलाइन कैसेट कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है। कीर्तन भक्त पूर्णमल, जिसके लेखक व गीतकार हैं पंडित रामकृष्ण वशिष्ठ सुनारिया वाले, सुना रहे हैं भक्त रामनिवास जी व साथी सुनारिया वाले। जब भी आप कोई धार्मिक कैसेट खरीदें तो एक इनाम सुपर लाइन, सुपर लाइन ही खरीदे। सुपर लाइन कैसेट कंपनी में भक्त रामनिवास की आवाज में अन्य आकर्षक कैसेटें, चेतावनी शब्द गुरु गोरक्षनाथ के शब्द, राधा स्वामी जी के शब्द, मीराबाई जी के शब्द, वाल्मीकि जी के शब्द, भोले बाबा का ब्याह और बालाजी के भजन और गुरु वाल्मीकि की पावन कथा। जो भी आप धार्मिक कैसेट लें भक्त रामनिवास की आवाज में, सिर्फ सुपरलाइन सुपरलाइन ध्यान रहे सुपरलाइन। पूरण मल घर अपने जाइए तू जाके भोग ले राजन रे पूरण मल घर अपने जाइए तू जाके भोग ले राजन।